बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस बाई फोकस की हम कर रहे थे, एक्सरसाइज नंबर है इसकी 2.4 और हमने ऑलरेडी इसके 26 क्वेश्चन कर लिए हुए हैं जो कि थे लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 27 से लेके 30 तक जो है उसकी स्टेटमेंट है, एस्टेब्लिश द लिमिट फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स ए एंड बी। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इस यानी इनमें आंसर दिया हुआ है, 27 क्वेश्चन है, लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन ऑफ ए एक्स ओवर साइन ऑफ बी एक्स, ये हमने प्रूव करना है ए ओवर बी के इक्वल है। एफ एस सी में भी ये क्वेश्चन मौजूद है, ऑलरेडी भी हम इस टाइप का कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर वन और इस वन ओवर साइन बी एक्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। इसे हम लिखेंगे लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो, चूँकि ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म है तो पहले स्टेप में हम लिमिट नहीं पुट कर सकते, और हमने फार्मूला लेके आना है साइन थीटा ओवर थीटा वाला। तो ये जो साइन ए एक्स है यहाँ हम लिखेंगे साइन ए एक्स ओवर ए एक्स इन टू क्या करेंगे ए एक्स। ये जो साइन बी एक्स है इसे करेंगे साइन बी एक्स ओवर बी एक्स इन टू बी एक्स। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स। फिर हम करेंगे लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो वन ओवर साइन बी एक्स ओवर बी एक्स और बाकी हमारे पास बचा ए एक्स ओवर बी एक्स। तो ये जो ए एक्स ओवर बी एक्स है इसमें से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स। फिर आएगा वन ओवर लिमिट को नीचे ले आएंगे एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन बी एक्स ओवर बी है, यहाँ बचा ए ओवर बी, इसको स्टार्ट में लिख लें एंड में लिख लें एंड में लिख लें, ये ए ओवर बी इसकी लिमिट हो जाएगी ये वन। इस पर अप्लाई करेंगे यहाँ भी ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म में लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन ए ओवर बी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए ओवर बी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28 करने के बाद 29 और 30 मैं दोनों छोड़ दूँगा, वो ईजी हैं ज़्यादा ही। तो 28 है हमारे पास लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो वन माइनस काज ऑफ ए एक्स ओवर बी एक्स। अब ऑलरेडी ये तो हम कर चुके हैं, अगर ये चीज़ हो वन माइनस काज एक्स ओवर एक्स और इसकी जब लिमिट लेते हैं तो ये ज़ीरो आती है, तो कहते हैं कि प्रूव करें इसकी लिमिट भी ज़ीरो आ रही है। तो दो तीन ऑप्शन है, ये ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं, या तो हम इसको इस तरह कर लें वन माइनस काज ऑफ ए एक्स ओवर बी एक्स इन टू वन प्लस काज ऑफ ए एक्स ओवर, आ जाएगा हमारे पास वन प्लस काज ऑफ ए एक्स। मैंने इसको क्या किया, रैशनलाइज कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो वन माइनस काज स्क्वायर ए एक्स और नीचे बचेगा हमारे पास बी एक्स और फिर वन प्लस काज ऑफ ए एक्स। इसे लिखेंगे लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन स्क्वायर ए एक्स डिवाइडेड बाई है बी एक्स और वन प्लस काज ऑफ ए एक्स। दिस इज इक्वल टू ये है लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन स्क्वायर ए एक्स, ये अलग है, इसके नीचे मैं एक्स लिख रहा हूँ, बाकी बचा वन ओवर बी वन प्लस काज ऑफ ए एक्स। अब अगर नीचे जो है एक्स है और ऊपर है साइन स्क्वायर ए एक्स तो नीचे हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, फिर ये लिमिट लगेगी, स्क्वायर इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसे मैं करता हूँ लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन स्क्वायर ए एक्स, देखें एक एक्स है इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर एक्स आ जाएगा, ए स्क्वायर से भी कर रहा हूँ तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स ओवर बी और वन प्लस
काज ऑफ ए एक्स हमारे पास आ जाएगा। अब इसको ज़रा अलग अलग करते हैं, अपनी जगहों पे सेट करते हैं, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास है ना ए स्क्वेयर ओवर बी, इसे तो मैं लेके आ रहा हूँ ये बाहर, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर ओवर बी। बाकी बचा लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो, ये भी स्क्वेयर है, नीचे भी स्क्वेयर है, इसे लिख लेंगे साइन ए एक्स ओवर ए एक्स का स्क्वेयर इन टू लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो। ये ए स्क्वेयर ओवर बी जो है ये बाहर आ चुका है, इधर बचेगा एक्स ओवर वन प्लस काज ऑफ ए एक्स। इस लिमिट को जब अंदर ले जाएंगे पावर के, लिख ही लेते हैं लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन ऑफ ए एक्स ओवर ए एक्स का स्क्वेयर। फिर आएगा लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो एक्स ओवर वन प्लस काज ऑफ ए एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर ओवर बी, ये आ जाएगा वन का स्क्वेयर, इधर लिमिट पुट करेंगे ज़ीरो ओवर काज ऑफ ज़ीरो होता है वन वन प्लस वन। तो देखें ये ज़ीरो जो है सारे को क्या कर देगा, ज़ीरो। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 58 तक, इनके हमने फाइंड करने हैं डेरिवेटिव बस, और बहुत आसान है ये, एक दो करके फिर मैं बीच में स्किप करता जाऊंगा। पहला ही क्वेश्चन है मेरे पास 31 है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू फोर काज ऑफ एक्स, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, फोर को इधर लिख लें डी बाई डी एक्स काज ऑफ एक्स, और जब ये डेरिवेटिव लेंगे तो काज एक्स का क्या आता है फोर माइनस साइन एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर साइन एक्स। इसी के साथ है 32 में एच ऑफ जी, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे जी आ गया है, जो भी वेरिएबल होगा उसी के रेफरेंस, उसी के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो जब इसका लेंगे एच डैश ऑफ जी, तो देखें 7 जो है ये वैसे ही है, टेंजेंट जी का डेरिवेटिव आता है सीकेंट स्क्वेयर जी, ये हमारा आंसर है। फिर मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 36, और 36 पे है पी ऑफ ओमेगा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा साइन ओमेगा। तो यहाँ भी जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा डी बाई डी ओमेगा, ये पी, इधर भी आएगा डी बाई डी ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा साइन ओमेगा। इसे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पी डैश, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा टू ओमेगा। अब यहाँ पे जो है इसे मैं एक बार लैदा लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ये आ जाएगा टू ओमेगा प्लस ओमेगा वैसे ही डी बाई डी ओमेगा साइन ओमेगा, और प्लस साइन ओमेगा वैसे ही डी बाई डी ओमेगा ओमेगा। तो ये क्या बचेगा टू ओमेगा, साइन ओमेगा का डेरिवेटिव आएगा काज ओमेगा, इधर क्या है साइन ओमेगा, और ओमेगा का क्या आएगा ये वन, तो ये फिर हो जाएगा टू ओमेगा प्लस ओमेगा काज, ये मैंने एक्स लिख दिया ओमेगा ही था ये भी, और प्लस हमारे पास आएगा साइन ओमेगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। फिर आगे इसी के साथ ही है 37 ये वाला है कि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर थीटा। अब ये चूँकि जो है ये लिमिट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लिमिट थीटा गोज़ टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो एफ डैश ऑफ थीटा ये आएगा डी बाई डी थीटा साइन ओ थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ क्या करेंगे कोशेंट थ्योरम लगाएंगे, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर।
आएगा थीटा और डी बाय डी थीटा साइन थीटा, और माइनस आएगा हमारे पास साइन थीटा, और फिर आएगा डी बाय डी थीटा थीटा। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा का आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और थीटा का क्या आएगा वन। तो नीचे मैं लिख देता हूँ थीटा स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38, वन माइनस कॉस अल्फा ओवर अल्फा। 38 है जी ऑफ अल्फा, वन माइनस कॉस अल्फा ओवर अल्फा, ये स्क्वायर नहीं है, तो जी डैश ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे ये आएगा डी बाय डी अल्फा वन माइनस कॉस अल्फा ओवर अल्फा। तो यहाँ भी क्वेश्चन थ्योरम लगेगी, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल अल्फा है वन माइनस कॉस अल्फा, और वन माइनस कॉस अल्फा वैसे ही, और डी बाय डी अल्फा अल्फा, अल्फा वैसे ही रहेगा, वन का डेरिवेटिव है ज़ीरो, कॉस अल्फा का है माइनस साइन अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा का है साइन अल्फा। माइनस वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू वन, और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा साइन अल्फा माइनस वन प्लस कॉस अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। फिर ये था 38, अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41 पे, और 41 है हमारे पास, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स कॉट ऑफ एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ एक्स। तो देखें जब डेरिवेटिव लेंगे यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स ये टू बाहर, इसे लिखेंगे डी बाय डी एक्स एक्स कॉट ऑफ एक्स, और इसे भी लिखेंगे डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर टेन ऑफ एक्स। अब जब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे टू तो बाहर का रहेगा बाहर ही, एक्स वैसे ही, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये क्या लफ्ज़ है कोसिकेंट स्क्वायर, प्लस कॉट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ये वन, इस ये सी ओ एस में कर देता प्लस। अब एक्स स्क्वायर वैसे ही, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और फिर हमारे पास टेंजेंट एक्स वैसे ही आएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। तो ये देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस 2 मल्टीप्लाई होके कॉट x आएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x, इस 2x को भी पहले लिखेंगे और ये क्या बन जाएगा टेंजेंट x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 38। 38 के बाद मैं जा रहा हूँ 40, ये था 41, 41 के बाद है हमारे पास 43, 43 है h ऑफ z वन माइनस कॉस ऑफ z ओवर वन प्लस कॉस ऑफ z। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन थ्योरम लगेगी, उससे सवाल हल होगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अप्लाई कर लें, वन माइनस कॉस ऑफ जी ये होगा टू साइन स्क्वायर जी बाई टू, ये होगा टू कॉस स्क्वायर जी बाई टू, टू से टू कटेगा, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ये आएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर जी बाई टू। पहले क्वेश्चन थ्योरम थी, अब ये जो है पावर रूट टू पहले आएगा और बाकी टेंजेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो एच डैश ऑफ जी देखिए मैं इसे लिखूंगा डी बाय डी जी टेंजेंट स्क्वायर जी बाय टू,
टू पहले आएगा, पावर से एक करेंगे ये लेस हो जाएगा, टू से वन गया वन, और फिर डेरिवेटिव डी बाई डी जी टेंजेंट ऑफ जी बाई टू आ जाएगा। और इसको जब करेंगे तो ये आएगा टू टेंजेंट ऑफ जी बाई टू, टेंजेंट ऑफ जी बाई टू का आएगा सीकेंट स्क्वेयर जी बाई टू, और फिर एंगल का क्या आएगा वन बाई टू। तो ये टू से टू कट जाएगा, ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट ऑफ जी बाई टू इन टू सीकेंट स्क्वेयर जी बाई टू। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह आपने करने, आप इस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन थ्योरम लगानी है, क्वेश्चन थ्योरम लगा सकते हैं। आगे है हमारे पास फोर्टी फाइव। अब फोर्टी फाइव क्या है? फोर्टी फाइव है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर साइन एक्स टेन एक्स। अब अगर ऐसे करें तो ये सारा ऊपर जाएगा, इसकी पावर माइनस वन आएगी, पावर पहले करके माइनस टू, फिर इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल। अगर हम इसको यूं कर लें कि सिंपल ये है वन ओवर साइन एक्स, टेन एक्स होता है साइन एक्स ओवर काज एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, काज को ऊपर ले जाए काज एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स। तो फिर हमारे पास जी डैश ऑफ एक्स, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स काज एक्स और साइन स्क्वेयर एक्स। अच्छा, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको कर लें काज ओवर साइन, काज ओवर साइन क्या आ जाएगा काट एक्स, और वन ओवर साइन वो क्या आ जाएगा कोसेकेंट एक्स। यहाँ आपने क्या लगाना है प्रोडक्ट टूल, यहाँ लग क्या लगाएंगे क्वेश्चन टूल। इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं, साइन स्क्वेयर कर सकते हैं, दोनों तरह से सॉल्व होता है। तो ये जब इसका डेरिवेटिव आएगा तो ये आएगा साइन फोर एक्स, इसका स्क्वेयर लेंगे साइन स्क्वेयर एक्स वैसे ही आएगा, और काज एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, फिर आएगा माइनस काज एक्स, और जब साइन स्क्वेयर का लेंगे तो पावर पहले आएगी साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा काज एक्स। तो देखें ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस साइन क्यूब एक्स माइनस टू साइन एक्स का स्क्वेयर एक्स ओवर साइन फोर एक्स। साइन एक्स कामन ले लें, नीचे वाले साइन से कट जाएगा, ये माइनस साइन एक्स मैंने कामन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस टू का स्क्वेयर एक्स ओवर साइन फोर एक्स। तो ये एक साइन ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस टू का स्क्वेयर एक्स ओवर साइन क्यूब एक्स, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो क्या करेंगे इसे लिखें साइन स्क्वेयर एक्स, टू का स्क्वेयर एक्स को लिखें का स्क्वेयर एक्स प्लस का स्क्वेयर एक्स ओवर साइन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा ये वन के आ जाएगा, तो वन प्लस का स्क्वेयर एक्स ओवर साइन क्यूब एक्स हमारा क्या आ गया आंसर। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर इसके रह गए हैं 13 क्वेश्चन, वो कॉल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।